हेलो मनीष जी, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 पिक्चर क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? भी क्लियर है। थोड़ा सा जूम, थोड़ा थोड़ा हाँ सा हाँ बस 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 परफेक्ट है। और करो जूम थोड़ा सा। हाँ बस अब ठीक है। ठीक है, कोई किसी तरह का कोई वो तो नहीं नहीं मनीष जी, परफेक्टली फाइन। जी है? आप प्रियल जी हैं ना? प्रियल जी? जी जी हाँ जी, प्रियल जी। ठीक है, तो मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ और कैमरा स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है जी 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 थैंक ना? यू। हाय मैम। यू टू स्टार्ट माई वीडियो। हाँ 1 सेकंड। मृणाल जी हूँ यस नमस्ते मनीष जी, कैसे हैं? मैं। ठीक हूँ, आप बताइए। एक मिनट, मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। आपके इसमें सब सब ठीक दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है आपको? मेरा पिक्चर क्लियर है ना? लाइट वगैरह सही है? जी। ठीक है, मैं क्वेश्चनेयर्स तो हैं मेरे पास, महाराज जी को दे देता हूँ मैं, जो आपने मुझे भेजे थे। इसमें जी कुछ और कुछ ऐड करना है? एडिशन तो नहीं करना है? जो आपने बोला था ओनली सकाल का ही नाम रखना है ना? जी 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 वही करना है। और मैंने सारे सवाल मैं हिंदी में ही पूछूंगी, तो ठीक है, मैंने फिर इन सबको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, मुझे भी हिंदी वाला भेज दो ना। तो मैंने वो अभी बैठ के किया है। मैं आपको फोटो निकाल के भेज दूंगी, तो भी वो आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं आ जाएगा? आप मुझे हिंदी में भेज दो ना, व्हाट्सएप कर दो। आप अभी फोटो ऐसा निकालो, करूं करो, अभी आप आपको? नहीं पेन दो, आप मुझे बोलते जाओ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा पॉइंट वन। अभी और लोग तो ज्वाइन नहीं करेंगे ना? जी, काफी लोग 60 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। पर मैं एकदम जैसे सिंपल, जैसा अपना जो पहला क्वेश्चन था कि हाउ डिड यू बिगिन विद योगा, टेल अस अ बिट अबाउट योर जर्नी, तो मैंने लिखा है कि स्वामी जी योग यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, जो भी है कोई बात नहीं, रो रो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, जी मैंने थोड़ी सी बुरी तरीके से लिखा हुआ है, इतने कोई बात जल्दबाजी में कर नहीं, देती बुरा हूँ। बुरा कुछ नहीं होता। मैं थोड़ा सा उसको अल्टर कर दूंगा जब तक। ठीक है। अभी बस आप ही को भेज रही हूँ।
भेज दिया आपको, जल्दी से प्रिंट आउट लेके आओ इसका। प्रियल हाँ बेटर देन माय रेटिंग यस मैम आई यू जस्ट लुक आफ्टर लुक इनटू द चैट एंड द क्वेश्चंस हां आई वांट ओहो या ठीक है जल्दी लेके आ प्रिंट आउट लेके आ 2 मिनट में एंड जस्ट यू वांट टू पिन स्वामी जी की नहीं यू वांट टू पिन हिज वीडियो प्रियल No, ma'am. In this webinar feature, no, who's talking, it will be pinned. So it's only two of you guys. That is it. Nobody else. So right now it's four screens. AP Globale, Bhagyashri, you, us and Swamiji. Yeah, yeah. We are both will be on mute. And only you two videos will be on. टेस्टिंग 1 2 3 ठीक है सुनाई दे रहा है मनीष जी आपका Your lights are okay, right? Yes, it's perfect. We'll start at sharp 5 o'clock. Yes.
प्रियल जी, इसका वो क्या है, एजेंडा क्या है इसका, हेडलाइन क्या लिखूं मैं? विजडम ऑफ योगा. आपको टेक्स्ट कर देती हूँ मैं, आई जस्ट व्हाट्सएप. अमरिंदर जी, आप अपने सामने वाला जो विंडो है ना वो क्लोज कर लीजिए, आपका पीछे ग्लास में रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसका विंडो का लाइट आ रहा है लेफ्ट एंड राइट साइड. मिनल जी, आपका जो पीछे ग्लास है ना उसमें लेफ्ट और राइट साइड विंडो आ रहा है, हाँ ये वाला, इसको रिफ्लेक्शन आ रहा है. अभी ठीक है? पहले ज्यादा अच्छा था, बस आपको सामने वाला ग्लास है ना जो उसपे कर्टेन, ये रिफ्लेक्शन है लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड लाइट का. हाँ ये लेफ्ट और राइट साइड आप देखेंगे ना रिफ्लेक्शन है, यहाँ का ना ये वाला. हाँ हाँ ये वाला है ना, तो आप देखिए कोई कर्टेन करना पड़ेगा आपको, कर्टेन देखिए लाइट कहाँ से आ रहा है. तो फिर मैं ये मेरी पोजीशन थोड़ी सी ये कर देती हूँ. ना ना, वही बेटर, वही था, वही पोजीशन बेटर था, क्योंकि इसमें अब पीछे डोर आ रहा है तो थोड़ा सा ओड लगेगा वो. हाँ पोजीशन भी पहले बेटर था, बस ये लाइट के लिए देख लीजिए लाइट कहाँ से आ रहा है. ये हाँ बस, और ये लेफ्ट साइड वाला भी. हाँ अब बेटर है. हाँ थैंक यू मनीष जी, मैं मुझे भी मेरे भी ध्यान में नहीं आया, आपने एकदम बराबर एस्थेटिकली पॉइंट किया. ठीक है,
इनकी बेटी कर रही है मृणाल जी, चल शुरू करें जी, वो उधर से करेंगे। हाँ बस हो गया, वो है सामने, मृणाल जी के सामने। नमस्ते स्वामी जी, कैसे हो मृणाल जी? एकदम ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद आप जो आज अपने समय निकाल के आज आप आए वेबिनार पे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करें। हाँ। नमस्कार, सकाय समूहाच्या वतीने मी आज आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। आजचे आपले विशेष आणि खास पाहुणे आहेत योग गुरु श्री रामदेव बाबाजी। स्वामीजींचं योग या क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण योगदान आपल्या सर्वांनी अनुभवलं आहे आणि आपल्या सर्वांच्या परिचयाचं आहे। स्वामीजी पतंजली आयुर्वेद याचे संस्थापक सुद्धा आहेत। सकाळ समूहाच्या वतीने स्वामीजींचं सहर्ष स्वागत करते। आपका बहुत बहुत स्वागत स्वामीजी, थैंक यू, धन्यवाद आज आपने समय निकाल के आज आप आए हम सबसे बातचीत करने के लिए, और बहुत धन्यवाद। तो मैं शुरू करना चाहूंगी स्वामी जी, आज का हमारा टॉपिक था विजडम ऑफ योगा, कि योगा का हमारे सबके जीवन पे क्या क्या इम्पैक्ट है। तो मेरा पहला सवाल ऐसा है स्वामी जी कि आपकी योग यात्रा की शुरुआत कब और कैसे? प्रथम तो महाराष्ट्र सगळा बंधु भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम आणि आशीर्वाद। और आप मुझसे क्वेश्चन मराठी में भी कर सकते हैं, मैं मराठी समझता हूँ। बोलने में मुझे को प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए थोड़ा दिक्कत है। दूसरी बात, सकाल के साथ में मेरा लगभग 2 दशक पुराना संबंध है। आदरणीय श्री प्रताप राव पवार साहब पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन पर भी आए थे, और उससे पहले से भी उनसे एक आत्यंतिक प्रेम है। और पवार फैमिली, लोग कहते हैं ये बड़ी पावरफुल फैमिली है, मैं कहता हूँ ये बहुत बहुत डिसेंट, बहुत स्पिरिचुअल और वैल्यू बेस्ड, माने ऐसे लोग हैं जिनके भीतर एक निर्दोषता है, स्पष्टता है, निर्भीकता है, और सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने की भावना है। तो मैं पूरे सकाळ ग्रुप का प्रथम तो बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और वह इसीलिए नहीं कि मात्र मुझसे प्रेम है, इसीलिए कि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खाली मीडिया के थ्रू ही नहीं, इस समाज के टोटल परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र के पूरे संदर्भ में। जहाँ तक आपने योग की बात की, और आप खुद जो है मृणाल जी, मतलब एक योग की आप भी ब्रांड एम्बेसडर है हमारी। आपके सामने मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं। तो मैंने योग आज से लगभग 45 साल पहले शुरू किया मृणाल जी, और उस समय मेरी 7 से 9 वर्ष की उम्र के बीच की आयु होगी, और मैंने एक दिन भी स्टॉप नहीं किया। किताबों से पढ़ के योग शुरू किया था, क्योंकि योग का सिखाने के लिए मुझे कोई गुरु नहीं मिला था। तो मैंने स्टार्ट किया शीर्षासन पहले दीवार के साथ किया, और विद इन 2-3 डेज में बिना दीवार के करने लग गया। देन सर्वांगासन, मयूरासन एंड डिफरेंट पोश्चर्स, देन आई स्टार्टेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओंकार एंड गायत्री मेडिटेशन। मुझे ऐसा लगता है, मैं वैसे तो पुरुषार्थ को मानने वाला व्यक्ति हूँ, कर्म को पर विश्वास करता हूँ, लेकिन प्रारब्ध या किस्मत या डेस्टिनी, भाग्य जिसको बोलते हैं, वो भी होता है। मैं, मुझे किसी ने योगी बनाया नहीं, मैं बाई बर्थ योगी हूँ। मीन्स ऐसा मेरा स्वभाव था। हाँ, ये अलग बात है कि मैं योग सिखाता ही रहा, जो मैंने पाया सबको बांटता ही रहा। आज मैं सुबह बोल रहा था, किसी भी योग की बुक में ये मेंशन नहीं है, इन डिफरेंसेस यू कैन नॉट फाइंड आउट दैट दिस डिजीज यू कैन क्योर थ्रू योगा प्रैक्टिस। लेकिन मैंने जिस जब जब ये यहाँ रेफरेंस जरूर मिलता है कि जो योग ने योग करता उसको रोग नहीं होता, लेकिन योग से बीपी, थायराइड, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, SLEMS, ऑटोमन डिजीज, MND क्योर होती है। इससे रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्योर हो जाता है, सोराइटिक अर्थराइटिस क्योर हो जाता है, इससे कैंसर और हेपेटाइटिस क्योर हो जाता है। ये कहीं मेंशन्ड नहीं है बाई डिजीज के नाम से।
लेकिन मैंने आपको तो पता है मृणाल जी, करीब 20 करोड़ लोगों को मैंने और संगठन के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्टली योग सिखाया, 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की। और अब तो मैं मानता हूँ दुनिया की यदि 800 करोड़ की आबादी है तो उसमें कम से कम 200-300 करोड़ लोग मुझे जानते हैं जरूर आप और उससे बेनिफिट उठाते हैं। नाम बड़ी चीज नहीं है, काम बड़ी चीज है। और मेरा यही सपना है, नो एनी पॉलिटिकल एजेंडा, नो एनी रिलीजियस एजेंडा, स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल फैमिली सोसाइटी, स्पिरिचुअल नेशन एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज माई अल्टीमेट गोल एंड एजेंडा। मेडल एकदम बहुत बहुत ही बढ़िया आपने कहा। जैसे आपने कहा आप खुद दीवार से जुड़ के आपने शीर्षासन या सर्वांगासन की शुरुआत की, पर कोई आपको गाइडेंस नहीं था, और ये इटसेल्फ इतना प्रेरणादायी है कि आपने खुद एक्सपेरिमेंट करके योग का इतना इंटरेस्ट आपको बचपन से ही था, और इतना आपने आगे ये निया है लिया है। इसके लिए ये अपने आप में ही ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि आपने किसी कोई गुरु नहीं था आपके सिर पे हाथ रखने को, फिर भी आपने आप यहाँ तक आपकी यात्रा आपकी जर्नी आई है। मुझे आपसे पूछना था कि जो लोग जैसे योग के क्षेत्र में जो लोग नए हैं, आप उन सबको कौन सी दिशा दिखाएंगे कि ताकि उनका योग अभ्यास जारी रहे। अभी आज आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स इतने योगा में आ रहे हैं, धीरे धीरे योगा का प्रचार प्रसार इतना हो रहा है, तो क्या आप दिशा दिखाएंगे जो नए हैं योगा की इस यात्रा में? फॉर हेल्थ के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो जी, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, रनिंग, डिफरेंट गेम्स, जिम एंड बहुत तरह के फिजिकल वर्कआउट्स हैं। योग उसमें इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मिनल जी, कि उससे तीन चीजें एक साथ होती है, वन फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट होता है एक साथ हमारा, और योगा फॉर बॉडी माइंड एंड सोल। एक तरफ आप जैसे चाहें वैसे बॉडी को शेप दे सकते हैं, जैसे आपको अच्छी भुजाएं चाहिए, आपको अच्छी ब्रेस्ट चेस्ट चाहिए, आपको अच्छा फेस लुक चाहिए, आपको अच्छे अपने लैग्स चाहिए, ट्राइसेप बाइसेप सिक्स पैक, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। बॉडी की अच्छी शेप दे सकते हैं, माने अच्छा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, अच्छा कैरेक्टर आपको मिलेगा। इससे भी बड़ी चीज है कि परमात्मा ने एक एक व्यक्ति को मृणाल जी अनंत ज्ञान शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य अनलिमिटेड हमारे भीतर भगवान ने सामर्थ्य दिया हुआ, स्ट्रेंथ विस्डम दी हुई है। तो एक बात तो ये कि योग को ही क्यों चुने, एक बात, और उसमें फिर क्या करें, बहुत इजी मेथड है। आपको क्रिटिकल पोस्चर्स करने की जरूरत नहीं है, ये खाली कॉम्पिटिशन के लिए ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लाइट एक्सरसाइज की, आपने हाथों के लिए ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया आपने, इस तरह से किया, ऐसे किया, तो एकदम लाइट एक्सरसाइज आप करके सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं, बोल हल्के पोस्चर्स, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मर्कटासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, इतने इजी पोस्चर्स हैं। सूर्य नमस्कार है तो लाइट एक्सरसाइजेज, सूर्य नमस्कार एंड सम पोस्चर्स फॉरवर्ड बेंडिंग, सम पोस्चर्स बैकवर्ड बेंडिंग। फिर मैं तो कहता हूँ ये भी, चलो किसी को ऐसा लगे भाई कोई पोस्चर उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाएगा, कोई उल्टा पुल्टा नहीं, बैक एक है तो आगे नहीं झुकना, हरनी है तो पीछे नहीं झुकना, कोई क्रिटिकल डिजीज है तो बहुत फोर्सफुली कोई एक्सरसाइज नहीं करना, फिर भी किसी को डर लगता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो कर सकते हैं ना। अभी मैं बैठा बैठा ही बता देता हूं, डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका, कपालभाती, पूरा डीप ब्रीदिंग में तो लेने छोड़ने में पूरा फोर्स था, इसमें खाली ब्रेथ को एक्सहेल करने में फोर्स लगा रहे हैं, इनहेल नॉर्मली हो रहा है, कपालभाति हो गया। अनुलोम विलोम में 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, फिर भ्रामरी, ओ
फाइव ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट कर ले, माने इतना इजी है और 100% सेफ है, और बड़ी बात है इसमें आपको किसी को कुछ चुकाना नहीं है, फ्री है, और सबसे बड़ी बात यह है कि योग करने से आप रोग से बचते भी हैं, ये प्रिवेंशन भी है, रोग से को आप मिटा भी लेते हैं तो ये ट्रीटमेंट भी है, और इससे भी बड़ी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी क्रिएटिविटी को, माने आपकी सकारात्मकता, गुणात्मकता, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता को बढ़ाता है, तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक साथ। आजकल तो लोग कहते हैं एक चीज खरीदो एक के साथ एक फ्री, एक योग करो आपको सैकड़ों चीजें उसके साथ मुफ्त मिलती है बाय प्रोडक्ट योग में। इसलिए मैं कई बार कहता हूं मंडल जी, इफ यू आर डूइंग योगा सो यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग थ्रू योगा। मैंने क्या किया जिंदगी में, मैं अपनी बड़ाई के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैंने योग किया, हाँ दिन भर कर्म योग करता हूँ, पुरुषार्थ तो करना है, तो मुझे स्वास्थ्य मिला, मुझे समृद्धि मिली, मुझे ऐश्वर्य मिला, मुझे सफलता मिली, मुझे वेल्थ मिली, मुझे अब पूरी दुनिया कहती है कि स्वामी रामदेव की योग की सेलिब्रिटी है, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के यहाँ तक पहुंचा, तो योग ने क्या नहीं दिया मुझे, और मैंने जो मुझे मिला सब कुछ देश को दिया, तो योग ने मुझे अर्थ भी दिया, मुझे पुरुषार्थ भी दिया, मुझे परमार्थ भी दिया, तो मैं तो कहता हूँ योग से सब कुछ मिल जाता है, इसलिए आप बस शुरू कीजिए, आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा मृणाल जी, बस अब विश्वास होना चाहिए, ट्रस्टिंग द प्रोसेस। आपने कहा स्वामी जी कि कोई बेसिक एक्सरसाइज करके भी आप शुरुआत कर सकते हैं, पर अगर हमने अगर इसको अगर प्लान किया कि कौन से बेसिक आसन है जो हर बिगिनर को या फिर हर एडवांस्ड को भी दिन में 20 से 15 से 20 मिनट, अगर आप बोले कि 15 से 20 मिनट, कौन सा बेसिक आसन है जो सबको रोज करना ही चाहिए, या फिर कौन सा प्राणायाम है, ये 2-3 प्राणायाम जो आपने भी दिखाए, क्या ये पांचों हमें रोज करने चाहिए, उसमें से एक एक करना चाहिए? नहीं नहीं, ये एक एक पूरा ग्रुप है, भस्त्री का ये हमारे श्वसन तंत्र के लिए है, कपालभाति हमारे पाचन तंत्र के लिए है, अनुलोम विलोम हमारे नाड़ी तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र जिसको इम्यूनिटी कहते हैं उसके लिए है, भ्रामरी उद्गीत ये मेडिटेशन के लिए है, सेल्फ इंस्पिरेशन के लिए है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है, तो अलग अलग है, तो ये पांचों ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही आप 15 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट पोस्चर्स होते हैं, आप हेल्दी हैं तो एक एक मिनट एक एक पोस्चर्स कर लीजिए, 10 मिनट में आप 10 पोस्चर कर लेते हैं, आप हेल्दी हैं तो स्ट्रेचिंग के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आपने कर लिया खड़े होकर के, जो इजीली सभी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने वृक्षासन कर लिया, बैठ के आप आगे झुके मंडूकासन या योग मुद्रासन किया आपने, पीछे झुका तो आपने उष्ट्रासन कर लिया, उल्टे लेट करके आपने भुजंगासन और शलभासन कर लिया, सीधे लेट करके आपने मर्कटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कर लिया जो इजीली कर सकते हैं, वेट को बैलेंस करने के लिए आपने अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लिया, तो माने आप 5-10 पोस्चर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो और 1-2 मिनट एक एक पोस्चर को कर सकते हो, डिजीज के अकॉर्डिंग आपको करना है, तो फिर यदि आपको बैक एक है तो 5-10 पोस्चर से स्टार्ट कीजिए, उष्ट्रासना, मकरासना, शलभासना, मर्कटासना, अर्धपवन मुक्तासना, एक पाद उत्तानासना, सेतुबंधासना और कटियुत्तानासन, 5-6 पोस्चर आपने कर लिया, ऐसे आपको यदि ओबीसीटी है तो स्थित कोण आसन, चक्की आसन, भुजंग आसन भी हम 100 टाइम्स कराते हैं, 25 से स्टार्ट करके विद इन 3 डेज आप 100 टाइम्स कर सकते हो, जो है स्थित मैंने कहा कोणासन, फिर भुजंगासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, आप 5 ही पोस्चर करते तो मैं रोज लोगों का 1 किलो तक वेट कम कर देता हूँ, थोड़ा डाइट कंट्रोल, माने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और लौकी कल्प कराते हैं, लौकी का सूप जूस आदि पिलाते हैं, आधा किलो तो घर पे ही कम कर सकते हो, आपको डायबिटीज है तो मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, डायबिटीज और कोई भी स्टमक डिसऑर्डर है या नाभि दिख जाती है लोगों के, तो 5 पोस्चर आपने कर लिए,
बच्चे हैं तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे 5 to 10 पोस्चर्स का एक पैकेज बना ले, और उतना इनफ है, उससे ज्यादा योग करने के लिए जिंदगी नहीं है, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए योग है। सभी चीजें हमारे जीवन को बेहतर, क्वालिटी लाइफ के लिए, डिवाइन लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, प्रॉस्परस पीसफुल लाइफ के लिए, हैप्पीनेस के लिए योग है। योग के लिए जिंदगी नहीं है, जिंदगी के लिए योग है। तो आधा घंटे भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं मृणाल जी। जी स्वामी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कही, बात कही आज कि योग, हम योग जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी ज्यादा अच्छी, खूबसूरत और हमारी तंदुरुस्ती रहने के लिए योग योग है। स्वामी जी, आपने भी देखा होगा पिछले पूरे साल जो कोविड का वातावरण था, हर जगह लोगों को इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये इतना इतना बड़ा था, इतना ये जो था कि कल क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं था, या फिर तो इसमें जो हम बोल रहे हैं कि हमारे मन को शांत करने के लिए हमें जो जिनको ज्यादा एंजाइटी या फिर स्ट्रेस होता है काम से या फिर ओवरवर्किंग से, या फिर हम देखते हैं कि कितने लोग आईटी के जो प्रोफेशनल्स है सारा अपना काम घर से बैठ के घंटों घंटे घर पे कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, तो उनके लिए जैसे हम बोल रहे हैं कि एंजाइटी और स्ट्रेस जो इतनी ज्यादा बढ़ी है, उसके लिए भी अभी आपने जितने प्राणायाम कहे, क्या वो एंजाइटी के लिए भी हम एप्लीकेबल कर सकते हैं? एंजाइटी के लिए 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो किसी भी तरह के कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या आईज के ऊपर प्रेशर है, हार्ट के ऊपर प्रेशर है, और फिर अल्टीमेटली हमारी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी लेवल पर सारी चीजें इम्पैक्ट डालती है। तो आप खाली 5 चीजें करते हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, 3 और 2 शीतली शीतकारी, जीवा को बाहर निकाला, श्वास अंदर भरा, थोड़ी देर होल्ड किया, नाक से छोड़ दिया, फिर शीतकारी, मुख से श्वास लिया, नाक से छोड़ दिया, ये 5 ब्रीदिंग करें। थोड़ा श्वासों पर ध्यान करें। नॉर्मली 16 ब्रेथ रेट होता है हमारा। जैसे हम श्वासों पर मन को कंसंट्रेट करते हैं तो 8 ब्रेथ रेट आ जाता है, और थोड़ा थोड़ा डीप जाते हैं तो 4 आ जाता है, और थोड़ा डीप जाते हैं तो 2, और अल्टीमेटली 1 मिनट 1 ब्रेथ रेट आ जाता है। इससे आपका मन एकदम शांत हो जाता है। बिल्कुल सिंपल टिप्स है, श्वास नियंत्रण, तो आपके मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर, बॉडी पर, सब पर कंट्रोल, क्योंकि जीवन का द न्यूक्लियस पावर ऑफ बॉडी लाइफ इज ब्रेथ। ब्रेथ है तो आप जिंदगी को जी रहे हैं, जीवन का, लाइफ का जो लाइफ लाइन है वो ब्रेथ है। तो सांसों के साथ आप एकात्म हो जाएंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीजें तो रह ही नहीं सकती। मृणाल जी, मैंने इसके ऊपर बहुत प्रयोग किया, और योग का मूल सिद्धांत है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। आपका प्राण पर नियंत्रण है तो आपका मन, विचार, भावों, संवेदनाओं पर नियंत्रण अपने आप आ जाता है। पर ब्रेथ पर नियंत्रण करना यही बहुत मुश्किल काम होता है कि हम अपने ब्रेथ को फोकस कर सके, या फिर कोई अन्य विचार ना आए, और हम जैसे आपने कहा है कि 1 ब्रेथ 1 मिनट तक आना, ये एक बहुत फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, एक हम रचनात्मक काम करें, बाकी चीजें अपने आप हट जाती हैं। हम लोग ना बुरी चीजों को हटाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, ये सारा डिस्ट्रैक्शन का प्रोसेस है। हम कहते हैं कि ये आना ही नहीं चाहिए, आप पॉजिटिव में लगो, नेगेटिविटी रहेगी जीवन में भी, जगत में भी, आप उसको हटा नहीं सकते, लेकिन आप पॉजिटिव को बढ़ा लो। पॉजिटिव को बढ़ाएंगे तो नेगेटिविटी एकदम जीरो लेवल पर चली जाएगी। और मैंने जिंदगी में इसको जिया है, मैंने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक,
कितने झंझावातों को, संकटों को, संघर्षों को, चुनौतियों को, कदम कदम पर मैंने तो चैलेंजेस को फेस किया। और बस एक ही मैं लगा रहता हूँ, बस सुबह उठ के योग करना है और उसके बाद अपने काम पर फोकस करना है। ठीक है, कई बार बहुत डिस्ट्रैक्टिव चीजें होने लगती हैं, तो कई बार हमारा समय, शक्ति, ऊर्जा उनमें भी थोड़ा वेस्ट जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को 99% अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकते हैं। और उसका मकसद ही होता है कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं सबके लिए। तो इसलिए सांसों पर कंट्रोल मींस ये एक तरीका है आप अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का। मृणाल जी एकदम, जैसे भी आपने आपने कहा, वैसे योगा के भी जो एट फोल्ड पाथ है, जैसा यम, नियम, आसना, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो सब हम सीखते हैं या फिर पढ़ते हैं योग के अभ्यास में, या फिर हम अपने मैट पे जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे रोज के जीवन में ये सारे योगा का जो हमने सीखा है अपने मैट पे, जो हमारा जो ब्रेथ कंट्रोल हमारे मैट पे होता है, ये हम अपने जीवन तक या रोज की घटनाओं तक, रोज के ऑफिस के काम या फिर सिंपल कामों तक, ये मैट से जो हमने सीखा है वो हम हमारे जीवन तक कैसे लेके आए। हम वहां तक भूल जाते हैं जो हमने सुबह प्रैक्टिस किया होता है, या फिर जो श्वास पे नियंत्रण, वो टिके नहीं रहता पूरे दिन भर। देखो मृणाल जी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी, इसको अष्टांग योग का है। इसमें भी तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना, इसको क्रिया योग का है। महर्षि ने, पतंजलि ने पहला सूत्र जो लिखा है योग दर्शन के, उसका नाम समाधि पाद रखा, दूसरे का साधन पाद, तीसरे का विभूति पाद, माने योग के जो बेनिफिट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसके जो मेरिकल्स हैं, और अंतिम फिर पाद है, उसका नाम है कैवल्य पाद, प्रतिप्रसव, माने सब विकार अस्त हो गया, निर्बीज हो गया, और आपके भीतर से शुभ के बीज उभरने लग गए। इसको अष्टांग योग कहा, इसको मैंने कहा पतंजलि योग कहा, चाहे इसको आप राजयोग कहो, हठ योग कहो, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, चाहे समत्वम योग, उच्चते योग, कर्मसु कौशलम, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग ही प्रभावाप्य, ये तो योग की डेफिनेशन है। अब जो प्रैक्टिस करते हैं वो किसकी करते हैं? प्रैक्टिस आप बॉडी की करते हैं, तो बॉडी पर आपका कंट्रोल रहता है, 100% रहता है। मैं अभी भी लगभग 3-5 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ, और मेरे साथ में CRPF के जवान दौड़ते हैं, तो उनके भी सांस फूलने लगते हैं जो मेरे से आधी उम्र के। मैं मैट के ऊपर भी योग के अलावा जब रेसलिंग करता हूँ, तो मेरे से आधी उम्र के बच्चों के सांस फूलने लगते हैं। मीन्स आप योग में जो करेंगे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आप मिर्ची खाते हैं तो तीखा लगेगा आपको, गुड़ खाते हैं तो मीठा लगेगा आपको, आप दारू पीते हैं तो आपको नशा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। पानी पिएंगे तो प्यास मिटेगी, कांटा लगेगा तो चुभेगा, ये होता ही है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप करें। मैं तो कर्म फल पर विश्वास रखता हूं, मैंने कहा ना मैं कर्म योगी हूं। अब आपने पोश्चर्स किए तो आप उसका बेनिफिट मिलेगा, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे मैंने कहा था आपका पूरा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र आपका ये ठीक होगा। इसके साथ ऑटोमेटिकली बॉडी के साथ आपके माइंड पर कंट्रोल आता है ऑटोमेटिकली। आप बीज बोएंगे तो वृक्ष होगा ना, तो आपको जो काम करना है वो दो ही चीजों पर करना है, बॉडी एंड ब्रेथ, दो पर काम कीजिए, ये बाकी सब उसके बाय प्रोडक्ट्स के रूप में आपको मिलेंगे। क्या मिलेगा? आपका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल आएगा, खाने की पीने की चीजों पर कंट्रोल आएगा, आपका जो है अपने दृष्टि पर कंट्रोल आएगा, बुरी चीजें देखने में आपकी रुचि नहीं होगी, बुरी चीजें सुनने में आपकी रुचि नहीं होगी, बुरी बातें आप बोल नहीं सकेंगे, आपका वाणी पर कंट्रोल आएगा, आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करने लगेंगे, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस से जुड़ने लग जाते हैं। और हमारी कॉन्शियस बहुत प्योर है, वी आर नॉट ओनली बॉडी, वी आर नॉट ओनली सेंसेस, वी आर नॉट ओनली माइंड एंड थॉट्स एंड इमोशंस, वी आर प्योर सोल्स एंड प्योरिटी, प्योरिटी इज अवर बेसिक नेचर, प्योरिटी इज अवर बेसिक आइडेंटिटी, हमारी मूल पहचान क्या है, हम हैं कौन, तो आत्मा तो उसका नाम ही है प्योर सोल, हम प्योरिटी ही हमारा नेचर है, वही हमारी प्रकृति है, वही हमारा स्वभाव है। तो जैसे ही आप ये सब दो चीजें करते हैं, ब्रेथ और बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, तो आपको अपनी कॉन्शियस से जुड़ जाते हैं, और हमारी कॉन्शियस में इतनी प्योरिटी है, मैं कहता हूँ स्वभाव, रोग हमारा स्वभाव नहीं है,
हिंसा नफरत घृणा द्वेष ये हमारा स्वभाव नहीं है, तो प्रेम करुणा ये हमारा स्वभाव है, तो हम ऑटोमेटिकली दूसरों से प्यार करते हैं। आज मैं करोड़ों लोगों की सेवा करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे सब में अपनी जैसी कॉन्शियस दिखती है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब मेरी जैसी सोल्स हैं, मुझे इनको स्वास्थ्य देना है, सुख देना है, समृद्धि देनी है, शांति देनी है, इनके जीवन में मुझे हैप्पीनेस देनी है, प्रसन्नता देनी है। तो जैसे आप ब्रेथ और बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिकली आप सेल्फ विजडम में चले जाते हैं और वो अपनी ही चेतना, अपनी ही आत्मा सब के अंदर आपको दिखने लगती है। इसी को कहते हैं वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, हार्मनी। ये अपने आप आपकी लाइफ में आती है मृणाल जी। आपने एकदम ठीक कहा कि जैसे हम योगा करते हैं ऑटोमेटिकली अपना कॉन्शियसनेस ज्यादा बुरा सुनना, झगड़ना या फिर बुरी चीजों में, वैसे भी कोई आदमी कतर खाने में काम करेगा तो स्वभाव से ही वो थोड़ा सा वायलेंट होगा वैसे शाम तक जीव जंतुओं को काट रहा है तो उसको आदमी को भी काटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी अब मेरा जैसा आदमी जो मतलब कभी जिसने मतलब उसको पेड़ की टहनी तोड़ने में, फूल तोड़ने में भी कष्ट होता है, वो चींटी भी नहीं मार सकता। मैं कमजोर आदमी नहीं हूँ, कायर बुजदिल नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को मैं वायलेंट नहीं हो सकता। मुझे आपसे पूछना था, जैसे अब योगा के इतने अलग अलग स्कूल्स हैं, राज योगा, यिन योगा, इतने अलग अलग हैं, बेसिक योगा तो एक ही होता है उनमें, पर जो इतने स्कूल्स ऑफ थॉट है उसको आज जो खास करके वेस्टर्न फिलोसफी में, वेस्टर्न वर्ल्ड से इतना योगा का वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, तो ये जो इतने जो योगा के जो अलग अलग प्रकार निकले हैं, ये सारे फिजिकल पे ज्यादा फोकस दिखते हैं, या फिर तो लोगों को बहुत बार लगता है कि एक स्कूल और दूसरे स्कूल में क्या फर्क है, या फिर कोई आसन अलग है, या फिर उनका कोई तरीका, या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब अलग अलग स्कूल्स का योग ये एक ही है, और ये अलग अलग स्कूल्स जो है ये उनके अलग, सत्य एक ही जैसा होता है मृणाल, झूठ 100 तरह के हो सकते हैं, प्रेम एक तरह का होता है, प्रेम प्रेम होता है, नफरत 100 तरह की हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कई तरह की भाषा की प्रांत की है। प्रेम एक तरह का होता है, ऐसे ही साइंस सब जगह एक ही जैसी होती है, उसकी ब्रांचेज अलग अलग हो सकती है, मीन्स एग्रीकल्चर का थोड़ा डिफरेंट ब्रांच है, इंडस्ट्री का अलग है, पॉलिटिक्स का, उसका साइंस ब्रांचेज अलग हो सकती है। तो योग की मूल सोल एक ही है। योग में जो आपको फिजिकल फिटनेस के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, मीन्स आपके ये जो विजिबल बॉडी है उसके लिए जो प्रैक्टिस है एक जैसी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ही जैसी है, सभी लोगों को जो है ऊपर से ही स्वास्थ्य लेना पड़ेगा, नीचे से छोड़ तो सकते ले नहीं सकते तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, पोश्चर्स और मेडिटेशन में कंसंट्रेशन एक जैसा ही रहेगा। ये लोग क्या अपने अपने कोई देवी देवता, कोई अपने तमाम तरह के जो मत पंथ संप्रदाय बीच में डाल सकते हैं कि इस देवता का ध्यान करो, इस देवी का ध्यान करो, इस शक्ति का ध्यान करो। तो मैं ऐसा मानता हूं जैसे मैथमेटिक्स पूरे वर्ल्ड में उसके जो बेसिक फिलॉसफी एक है, साइंस की बेसिक बेसिक जो उसके प्रिंसिपल्स हैं एक हैं, जैसे किसी भी संदर्भ में आप बात कर लो, एग्रीकल्चर की बेसिक फिलॉसफी एक है, रिलेशनशिप की बेसिक फिलॉसफी एक है, ऐसे योग की बेसिक फिलॉसफी एक है, बाकी सब ब्रांडिंग है बाकी सब ये धंधा है, और थोड़ा कहीं अच्छा है तो कहीं गंदा धंधा भी है, बियर योगा है, कहीं न्यूड योगा है, कहीं पर पता नहीं क्या क्या है, सेक्स योगा है, फलाना योगा है, ये मृणाल लोगों ने अपनी दुकानदारी चला रखी है। तो मैं किसी के ऊपर कोई टोंट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं मैं योग नया नहीं सिखा रहा हूं, मैंने जो अपने पूर्वजों से पाया है वही बांट रहा हूं, मैं नहीं क्लेम करता हूं कि what I am teaching, this is Ramdeva Yoga, this is Patanjali Yoga, this is real yoga, this is realistic yoga, अब वो एक ही होगा ना। तो इसलिए मैं ब्रांडिंग का थोड़ा इस मामले में विरोधी हूँ, बाकी को योग सिखा करके किसी भी रूप में अपना ब्रांड के नाम पर भी लोगों को अच्छा सिखा रहा है तो वो अच्छी बात है, यदि कोई बिजनेस के लिए भी योग कर रहा है तो कम से कम वो मतलब
एक अच्छा काम करके यदि कुछ पैसा भी कमा रहा है तो मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। आप किसी ने मतलब दारू से, बीड़ी सिगरेट, शराब से और दूसरे बिजनेस से आप इसकी तुलना करेंगे तो उससे तो अच्छा है ना। इसलिए मैं बिजनेस का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन योग के जो मेथड्स हैं, योग की जो फिलॉसफी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इतना जरूर है मृणाल जी। अभी हम देखते हैं आजकल स्वामी जी कंप्यूटर पे सब लोग बैठ के सब दिन रात आज सब अपने लैपटॉप पे ही जुड़े रहते हैं, सबको नए गर्दन के प्रॉब्लम्स जो भी शुरू हुए, कांस्टेंट टेक्सटिंग, कांस्टेंट कंप्यूटर यूज, तो आप जो गर्दन और जो अपर हाफ बॉडी का जो है जो बैठ बैठ के होता है लोगों को बैठ के कंप्यूटर पे काम करने से, उनको आप क्या कैसी सलाह देंगे कि क्या उन्होंने ये सात पोस्चर्स है ना, देखो ये सात एक्सरसाइज ये ऐसे शुरू करें, यहाँ से ये ऐसे, फिर ये तो कहीं पर भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये योगा इन फ्लाइट, योगा ऑन चेयर, ऐसे कहीं पर भी कर सकते हैं। फिर ये ऐसे गर्दन को ऐसे कंधों को ऐसे ऐसे घुमाया, फिर गर्दन से ऐसे दाएं ओर देखा, बाईं ओर देखा, पीछे की ओर देखा, दाएं ओर गर्दन को झुकाया, बाईं ओर झुकाया, ऐसे गोल भी घुमा सकते हैं। और एक ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसे 5 to 7 एक्सरसाइजेज ऐसे ऐसे कर लेते हैं, कितने सिंपल, पीछे से हाथ खुले नहीं, थोड़ा जो है इतना स्पेस तो सभी को मिल जाता है। ऐसे खड़े हो गए, खड़े होकर के पीछे हाथ लगा लिया, ऐसे थोड़ा तो मुझे तो लगता है फिर आपके साथ एक सेशन करना पड़ेगा जिसमें लोगों को प्रैक्टिकल सिंपल सिंपल टिप्स दे दिए जाए। काफी हमको लोग सवाल भी यहाँ पे लिख रहे हैं चैट पे कि जो औरतें हैं, विमेन्स हेल्थ जो हम देख रहे हैं आजकल, विमेन्स हेल्थ में भी काफी लोगों को, औरतों को काफी तकलीफें हैं, ओबेसिटी की, या फिर लेट प्रेगनेंसी होती है, या फिर पीसीओडी, हार्मोनल चेंजेस, ये हर के लिए आपने अगर जैसे बेसिक कोई और लेडीज के लिए हमने अगर प्लान किया कि कौन से आसन जो है जो सारे हार्मोनल चेंजेस या फिर विमेन रिलेटेड जो भी आज प्रॉब्लम हो रहे हैं उनके लिए कौन से क्या औरतों को करना चाहिए डाइट या फिर उनके आसन में जो सिर्फ खास औरतों के लिए। पीसीओडी 100% अच्छा हो जाता है मृणाल खाली कपाल भाती से, और विद इन 2 months जी बस 30 मिनट्स खाली कपाल भाती करना पड़ेगा मॉर्निंग और इवनिंग में। कपाल भाती 30 मिनट्स, और मेडिकेशन के तौर पर कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं। मैंने सैकड़ों हजारों केसेस क्योर किए हैं और उनके पूरे साइंटिफिक रिपोर्ट बिफोर योगा प्रैक्टिस आफ्टर योगा प्रैक्टिस मेरे पास है। तो 30 मिनट्स इफ यू आर डूइंग डेली कपाल भाती सो यू कैन क्योर योर पीसीओडी प्रॉब्लम। और इसके साथ पीसीओडी के साथ में जिनको यूट्रस में फाइब्रस हैं और बाकी और में बाकी भी छोटी मोटी सिस्ट भी हैं, ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाती हैं लोगों को, वो भी अच्छी हो जाती है इससे, इतना जबरदस्त। तो ये कपाल भाती आधा घंटा नॉन स्टॉप करें कि कुछ आधा घंटे कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं, 5-10 मिनट के बाद थोड़ा थक जाते हैं तो 2-4 नॉर्मल श्वास ले लें, बीच में थोड़ा अनुलोम विलोम कर सकते हैं, तो कंटिन्यू की बजाय 5-5, 10-10 मिनट करके और फिर बीच में थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया या नॉर्मल ब्रेथ कर लिया, 100% उसका इलाज है पीसीओडी का। पीसीओडी में लोगों लेडीज को चेहरे पर बाल भी आ जाते हैं, फिर उनको प्रेगनेंसी की भी प्रॉब्लम आती है और पीरियड उनको नहीं होते हैं। और मैंने ये प्रॉब्लम को पिछले लगभग 20 सालों में हजारों हजारों बेटियों को मैं बाई नेम जानता हूँ जिनको मैंने ठीक किया। पर इसका आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है कि आज ये इतना बढ़ रहा है ये पीसीओडी के 3 बड़े कारण लगते हैं। एक तो जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं बच्चे आजकल, फिजिकल एक्टिविटी खास करके एब्डोमेन की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, एब्डोमेन की एक्सरसाइज का कम होना, जंक फूड का ज्यादा खाना और स्ट्रेस।
स्ट्रेस और लैक्स ऑक्सीजन सप्लाई, ये तो सब जगह जोड़ लीजिए आप, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड अनहेल्दी ईटिंग, ये एक कॉमन वो है कारण जिससे पीसीओडी से लेकर के डिफरेंट लाइफस्टाइल डिजीज हो रहे हैं मेडल जी। जैसे आपने भी कहा अनहेल्दी ईटिंग, तो एक आइडियल योगिक डाइट क्या है, आप क्या खाते हैं रोज? मैं तो बहुत थोड़ा खाता हूँ। सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी लेता हूँ उठते ही, उससे पेट बहुत अच्छा साफ होता था, एनर्जी लेवल इतना रहता है कि मैं सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, और आजकल तो क्योंकि कोविड टाइम में मैंने अपना स्क्रीन टाइम मेरा टीवी टाइम बढ़ गया है, क्योंकि अलग अलग टीवी चैनलों पर मैं कार्यक्रम देता हूँ, तो पहले आस्था पर दिया, फिर इंडिया टीवी पर दिया, फिर एबीपी पर दिया, तो मेरा तो 10 बज जाता है। तो मैं सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय से मेरा गुजारा हो जाता है, फिर मैं जूस पीता हूँ खाली, कभी डिफरेंट कभी वेजिटेबल जूस पी लिया, पालक, बथवा, गाजर, मेथी, अनार, चुकंदर, कोई भी ऐसे डिफरेंट फ्रूट जूस लेता हूँ। फिर मैं रोटी कम खाता हूँ, लेस ग्रीन, तो मैं और सीक्वेंस ये रहता है, पहले फ्रूट्स, सलाद, वेजिटेबल्स, आफ्टर देन कुक्ड फूड, बहुत थोड़ा, और उसमें भी कम से कम 2 चम्मच घी जरूर होना चाहिए। आजकल लोग घी नहीं खाते तो हमारे स्नैप्स वीक पड़ गए हैं ब्रेन के, हमारे जो है जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो भी कमजोर पड़ गया है, और इस वजह से लोगों को ब्रेन डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन प्रॉब्लम हो रहे हैं, हड्डियां मसल्स वीक हो रहे हैं। 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए, देसी घी, गाय का घी हो तो ज्यादा अच्छा है, भैंस का थोड़ा सा हैवी होता है, मतलब थोड़ा जोक में बोले तो गाय का घी खाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और भैंस का घी खाने से महिषासुर प्रकट होता है। खैर लेकिन अच्छा जो है नेचुरल फैट में सबसे अच्छा घी होता है, बाकी जो वर्जिन जो ऑयल होते हैं नेचुरल ऑयल, बाकी ये तीसरे नंबर पर आता है फिजिकल रिफाइंड, चौथे नंबर पर आता है केमिकली रिफाइंड ऑयल। आजकल हम लोग केमिकली रिफाइंड ऑयल इतने ज्यादा खाते हैं, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर हेल्थ। खैर तो खाना ऐसे लेना चाहिए, फिर उसके चबा चबा के खाना खाना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, वही मैं करता हूँ। रात को मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ, और थोड़े कुछ लोग कहते हैं रात को फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रात को आप फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आफ्टर 50 और 60 आपको ग्रेन लेने नहीं चाहिए, खाली फ्रूट्स लीजिए और उसके 1 घंटे बाद दूध पी लीजिए, बस दैट्स ऑल। आइडियल डाइट में टाइमिंग यह है कि सुबह 8 बजे 8 से 9 के बीच नाश्ता, 12 से 1 के बीच भोजन, और शाम को 7 बजे से मैक्सिमम 8 बजे तक रात का डिनर। इसके बाद जो भी खाया जाएगा वो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ में हार्म करता है, और उसी के कारण से बहुत तरह के लाइफस्टाइल डिजीज और खास करके SLMS ऑटोमेटिक डिजीज कैंसर MND जैसे जो रोग हो रहे उसका मुख्य कारण है अनहेल्दी डाइट, विरुद्ध आहार भी। रात को दही छाछ के लेते हैं, दूध के साथ नमक आदि लेते हैं, ये नहीं लेना चाहिए। दिन में 3 लीटर लिक्विड किसी न किसी रूप में, दही, छाछ, दूध, पानी, जूस के रूप में जरूर लेना चाहिए, ये किडनी को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। और आजकल UTI की प्रॉब्लम लेडीज से लेकर के जेंट्स में भी बहुत तरह के यूरिन प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं, उसके लिए गोखरू का पानी कम से कम वीक में 1 बार जरूर पीना चाहिए। जरूर, अभी आपने ये बराबर कहा कि घी लोगों ने खाना बंद कर दिया है डाइट सोच के, और जंक फूड बढ़ गया है, तो फिर घी का, गाय के घी का डेफिनेटली हमारे डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। हमें बहुत स्वामी जी सवाल लोग पूछ रहे हैं चैट पे, तो मैं कुछ कोई सवाल थोड़े बहुत मैं लेती हूँ, क्योंकि सवालों के आपने ऑलरेडी जवाब दे दिए हैं। तो यहाँ पर अर्चना शेलके करके है, वो पूछ रही है कि उनकी टंग जो है, जुबान, वो ज्यादा बड़ी हो गई है, व्हाट कैन आई डू? जुबान बड़ी होगी तो मैंने पहली बार सुना। माय टंग हैज बिकम बिगर, मुझे भी ये सवाल बहुत अलग सा लगा, मैंने कभी सुना नहीं है, तो ऐसे ऐसे क्यों और कैसे होता है, आई मीन क्या क्या हम करते हैं? यदि किसी भी तरह का उसमें आउट ऑफ कोई भी बॉडी में अनवांटेड जो ग्रोथ होने लगती है किसी भी अंग की, तो उसके लिए प्राण ही उसको कंट्रोल करता है, तो उज्जयी प्राणायाम करें, वो ऐसे गले को टाइट करके ब्रेथ को
अंदर भरते समय आवाज होगी, और फिर इसको लगभग 20-30 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर राइट नोस्टल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दें, और यहां से पॉइंट दबा लें अंगूठे के नीचे से, तो उनकी ये ग्रोथ हो रही है टंग की, वो रुक जाएगी। दूसरा एक कॉमन सवाल, मैं आपको ये आखिरी वाला ही सवाल पूछ रही हूँ जो आया है पैन इस डिस्कशन में, कि काफी लोग थायराइड के बारे में पूछ रहे हैं कि थायराइड भी आज बहुत ये जो प्रॉब्लम है थायराइड का वो बहुत बढ़ गया है। मिनरल जी थायराइड के लिए तो अभी मैंने एक तो उज्जायी प्राणायाम बताया ये, और एक ये ऐसे गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ग्रीवा संचालन हम इसको बोलते हैं, ऐसे ये ग्रीवा संचालन करें ऐसे, दो, तीसरा सर्वांगासन हलासन या मत्स्यासन जिससे बन पाए उतना कर ले, फिर एक सिंहासन ऐसे जीवा बाहर निकाल करके ये करना, और ये जो पॉइंट बताया था ये करेंगे तो 100% थायराइड ठीक होता है। 11-11 बार करना ऊंचाई प्राणायाम। थायराइड की दवाई मैं पहले दिन से बंद करा देता हूँ लोगों की, अभी जहां से मैं बात कर रहा हूँ ये योगाग्राम निरामयम है, क्योंकि अभी बाहर बड़े फंक्शन करना नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, तो यहाँ करीब 500 लोग मेरे पास रह रहे हैं, जो अभी आने वाले मार्च में करीब 1800 हो जाएंगे मेरे पास। मैं लोगों की दवाइयां बंद कराता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा अभियान ही है 2021 का ड्रग माफियाओं के चंगुल से लोगों को बचाना, डेली थायराइड की दवा, बीपी की दवा, शुगर की दवा, नींद की दवा, कोलेस्ट्रोल की दवा, ये सारी दवाइयों की जरूरत नहीं है। आप अपने बॉडी के ऊपर, अपने ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल करके आप सभी तरह के ड्रग्स, फिर विटामिन, फिर न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस, इन सब से और डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो, तो थायराइड को भी 100% मिनरल क्योर किया जा सकता है, और मैंने किया है एकदम। मैंने काफी लोगों से सुना भी है जिनको ये प्रॉब्लम्स थे। स्वामी जी, मुझे आपसे अब पूछना था कि जैसे आप आपके आश्रम में क्या आप वहाँ पे भी वर्कशॉप्स या फिर सेमिनार्स वगैरह लेते हैं, वहाँ पे लोग आके अटेंड कर सकते हैं या फिर रह सकते हैं, ऐसा ऐसा फ्यूचर प्लान्स वगैरह आपका है फिलहाल कि लोग आके रहें, योग सीखें या? हाँ, ये 7 से 7 दिन के पूरे वर्कशॉप में उनको सब कुछ सिखा दिया जाता है, पोश्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और जो बहुत ही इनकरेबल डिजीज होती है उनको हम यज्ञ पूर्वक योग करवाते हैं, तो गायत्री ओंकार से यज्ञ भी कराते हैं हम, फिर पंचकर्मा षटकर्मा भी सिखाते हैं, और उसमें डिफरेंट थेरापीज देते हैं, एनिमा, जल नेति, सूत्र नेति, बस्ती, ये सारी चीजें एक साथ हम यहाँ कराते हैं, तो 7 दिन में पूरी ट्रेनिंग हो जाती है, और यदि स्वस्थ आदमी है तो पूरा वो उसका डिटॉक्स हो जाएगा, यदि रोगी है तो पूरा निरोगी हो जाएगा, और बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तो चैलेंज के साथ लोगों को बोलता हूँ कि मैं आपके 7 दिन में 99% और 15 दिन में आपके 100% सब दवाइयां बंद, बीपी, शुगर, थायराइड की ही नहीं, पार्किंसंस की जी, ऐसा नहीं, एमएस ऑटोमेट डिजीज की, एमएनडी की दवाइयां बंद कराना है, एपिलेप्सी की दवाइयां बंद करा देता हूँ, तो मैंने तो पूरा यहाँ पर, मैंने कहा ना अभी 500 लोग हैं यहाँ योगा ग्राम निरामयम में, यद्यपि अभी जगह नहीं है मृणाल जी, क्योंकि जगह छोटी है ना, 500 लोग तो इतने बड़े देश में कुछ भी नहीं होता है, मैं जहाँ बैठू वहां कम से कम 5000 लोगों के लिए फैसिलिटी चाहिए, तो इस साल अभी 1000 के लिए हो जाएगी मार्च से, और अगले साल मैं 5000 लोगों का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को सही ट्रेनिंग, और एक क्या घर में उतना ज्यादा पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं, 10 तरह के काम होते हैं, कुछ फैमिली के काम होते हैं, कुछ बिजनेस के काम आ जाते हैं, और तमाम तरह के आदमी की जीवन में 5 तरह के रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में, तो उतना कंफर्ट जोन में नहीं होता है, यहाँ उनको पूरा 100% इसी पर फोकस कराते हैं, और मैं तो मानता हूँ लोग इधर उधर घूमने फिरने के लिए जाते हैं मृणाल जी, कोई कहता है हम वहाँ आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई कहता है वहाँ टूर के लिए जा रहे हैं, वहाँ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, वहाँ एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, तो मैंने तो कभी एडवेंचर किया ही नहीं 45 ईयर्स में मैं तो योग के साथ ही जो है पूरा आनंद लेता हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि 7 दिन जो है लोग वक्त निकाल करके ऐसे आना भी चाहिए साल में एक बार, तो पूरा एक एनवायरनमेंट तो थोड़ा चेंज करना ही चाहिए। और अभी 7 दिन के डिटॉक्स में या फिर जो आपका जो रूटीन रहता है 7 दिन में, उसमें इतना इतना फर्क
इतना बड़ा फर्क पड़ता है स्वामी जी कि पूरे पार्किंसन जैसे डिजीज भी हम जो बोल रहे हैं इलनेसेस ये भी सॉल्व हो सकते हैं 7 दिनों में। मृणाल जी मैंने 7 दिन में लोगों को पार्किंसंस वालों को जो 2 कदम नहीं चल सकते थे उनको दौड़ाया है विदिन 7 डेज। बीपी शुगर थायराइड की दवाइयां तो विदिन 3 डेज में बंद कर देता हूँ। बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल मेरे पास 90% ब्लॉकेज के पेशेंट आते हैं और उनको मैं विदिन 2 वीक्स उनको दौड़ा कर भेजता हूँ। मेरा फिजिकल टेस्टिंग होता है 3 किलोमीटर की दौड़ लगाओ और हार्ट पेशेंट 90% तक के ब्लॉकेज को मैं कहता हूँ आप रिवर्स करते हो या तो कोलेट्रल आर्टरी तैयार होंगी या मेन आर्टरीज आपकी ओपन हो जाएंगी। तो ये बड़ी बातें हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के टेढ़े मेढ़े लोग आते हैं मेरे पास और विद इन 2-3 वीक्स मैं उनका उंगलियां सीधी करके भेजता हूँ। आर्थराइटिस के पेशेंट जो उठ नहीं बैठ नहीं सकते उनका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो करते हैं उनका ESR उनका यूरिक एसिड उनका आर ए फैक्टर ये तो नॉर्मल करते ही हम। आपको आश्चर्य होगा 500 से 1000 आर ए फैक्टर होना चाहिए 20 से नीचे वो मैंने लोगों का 20 से बिलो 20 करके भेजा है यहाँ। और एक तो मुश्ताक भाई मेरे गुजरात से आए थे उनका कोलेस्ट्रोल था 700 और ट्रेग्लिसराइड था 4800 और जब यहाँ से गए तो उनका कोलेस्ट्रोल था 150 और ट्रेग्लिसराइड था 300। मीन्स ये कुछ बीमारियां ही नहीं है जिनको लोग बीमारियां मान करके बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ मैं इनको बीपी शुगर थायराइड ये सबको तो दवाई बीमारी नहीं मानता। ये जो पार्किंसंस जैसे रोगों में अद्भुत इसके लिए मैंने नई कई 100 नई दवाइयां भी बनाई अभी रिसर्च करके जो पिछले 30 वर्षों का क्योंकि हमारे पास में करीब 500 साइंटिस्ट हैं और हम एक एक हब के फाइटोकेमिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन 10 to 15 मिनट्स 1000 फाइटोकेमिकल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और अभी मैंने SLEMS ऑटोमेट डीजे MND का पूरे वर्ल्ड में आप मृणाल जी कहीं पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 साल के अंदर आदमी मर जाता है लगभग। और पहले उसका लीवर किडनी फेल होगा फिर उसकी आंखें खराब होंगी फिर उसका हार्ट खराब होगा फिर उसका ये होगा ऑर्गेन फेलियर होंगे और दिमाग ठीक रहेगा तो आप मरते भी अपने आप को देखेंगे। मैं कहता हूं मैं आपको MND से मरने नहीं दूंगा SLEMS और उनको मैं रिकवर करके भेज रहा हूं। इसमें एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस जो एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की तरह ही उसके भी महाराष्ट्र तक के बच्चे मेरे पास यहाँ पर महाराष्ट्र के गुजरात के दिसंबर जनवरी में ठंड में देखो ठंड में 5 बीमारियां सबसे ज्यादा बढ़ती हैं आर्थराइटिस एस्थमा हार्ट प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर एंड स्किन प्रॉब्लम में सोराइसिस और इन 5ों को मैंने दिसंबर जनवरी में ठीक किया। तो नॉर्मल डेज की तो आप बात छोड़ो। तो ये लोगों के लिए बड़ी बातें हैं। पहले तो मुझे इसी से ही आरोपों में घेरा जाता था कि स्वामी रामदेव जो बातें करता है बिना सिर पैर की। मैंने कहा नहीं मैं 100% साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलता हूँ। कोई शनि की तो राहु भूत प्रेत डाकिनी शासिनी पिशाचिनी की बात नहीं करता। मैं साइंस बेस्ड बात करता हूँ एविडेंस बेस्ड बात करता हूँ और एविडेंस बेस्ड योग और आयुर्वेद ही हमने दुनिया को दिया इसलिए स्वामी रामदेव को लोग सुनते हैं और मैं एकदम फैक्ट्स पर आधारित बात करता हूँ। कहता हूँ आप करो और आप देखो। स्वामी जी आप अपना इतना सब काम कैसे संभालते हैं? इतना सारा रिसर्च हो रहा है पतंजलि का आयुर्वेद है आपका योगा है योग है इतने लोग आपके यहाँ पे आके रहते हैं आश्रम में ये सारा आप एक साथ कैसे सब मैनेज करते हैं? देखो मैं ये सच बात है कि 100 से ज्यादा काम एक साथ करता हूँ और मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। मेरा बीपी है 110 और 70 मेरा शुगर लेवल है 170-180 के करीब और बाकी मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5 और मेरा वेट है 67। मुझे नींद आती है खूब बढ़िया मैं क्योंकि वक्त नहीं मिलता मुझे ज़्यादा सोने का तो 5 घंटे आराम से सो लेता हूँ और मुझे थकान नहीं होती 18 घंटा। तो मैं इन सब के बीच में एक ही बात कहूँगा मैंने अपनी प्रायोरिटीज तय की हुई हैं। हाँ सुबह सुबह योग कभी नहीं छोड़ता तो मैं बहुत आनंद से कर्म को अपना धर्म मान करके करता हूँ और सेल्फ इंस्पिरेशन में सेल्फ मोटिवेशन में जीता हूँ कि जिंदगी जितनी भी है चाहे मैं एक दिन जी रहा हूँ या मैं 100 साल जीऊंगा वैसे तो 50 साल से पहले मैं मरने वाला हूँ नहीं 100 साल से ज्यादा जीने वाला हूँ। मैं हर दिन ऐसे जीता हूँ कि ये मेरी जिंदगी का लास्ट है और मुझे जो भी अच्छे काम करने सब आज करके जाऊंगा कल का जो मिलेगा वो बोनस में है और बहुत खुश रहता हूँ।
कि आज मैंने इतने हजारों लाखों लोगों को, इतने करोड़ों लोगों को खुशियां दी। तो मैं हर दिन ऐसे ही रोज सुबह सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम शुरू करता हूं और सबको एक संदेश भी देना चाहता हूं मैंने कि आप कभी भी लोअर कॉन्शियस में मत जिए, आप हायर कॉन्शियस में जिए। यहां से योग शुरू होता है और यहां इस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर के आप जब काम करते हैं तब आप बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दे सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। मैं सब कुछ करता हुआ निर्भार रहता हूं और निर्वैर रहता हूं, क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला में नहीं अपने आप को झोंकता। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि व्यक्ति सुबह सुबह योग कर ले ना तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, सारे सपने भी आपके पूरे हो सकते हैं और आप एक बहुत हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। आखिरी सवाल स्वामी जी, आपका बहुत समय मैंने लिया आज, कि आप बस सबको आखिरी में, आप क्या सारे जो सुनने वाले हैं, आपके इतने डिवोटीज हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको एक ही बात कहूंगा मृणाल जी, सुबह 1 से 2 घंटा योग करें, 5 to 6, 6 to 7, 6 to 8, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आधे घंटे से स्टार्ट करें, 1 से 2 घंटा योग करें और फिर 16 से 18 घंटा मेहनत करने का स्वभाव बनाए। गीता में 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3रे श्लोक में, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। मेरा तो एक ही सपना है कि सुबह उठकर के योग करें और दिन भर 16 से 18 घंटा मेहनत करने का, पुरुषार्थ करने का, कर्म करने का स्वभाव बनाए। लोग प्रमाद ही हो गए, कर्म नहीं करना चाहते, निकम्मापन आ गया लोगों में, निराशा आ गई है, लोग मैंने पता नहीं क्या क्या सोचते रहते, बैठे बैठे खाली दिमाग, शैतान का घर। तो सुबह सुबह योग करो और दिन भर कर्म योग करो, फिर आपकी जिंदगी में आपको सारी खुशियां मिलेगी, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, प्रसन्नता, फैमिली से लेकर के आपके कैरियर तक। और मैंने सब करके दिखाया है, मैं पलायनवादी सन्यासी नहीं हूं, मैं योग उद्योग चलाता हूं, मैंने करीब 5 लाख लोगों को जो है नौकरियां दी और करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का, अब जो है रामकुमार राठी जी जो मेरे बहुत आत्मीय हैं, उन्होंने आपसे मुझे बात करने के लिए भी बोला था, उनका बेटा जो है राहुल राठी, वो पिछले दिनों पतंजलि में आया, तो पतंजलि और रुचि सोया जो हम लोग यहाँ कंपनियां चलाते हैं, तो उसका मार्केट कैप का मूल्यांकन कर रहा था, बोले स्वामी जी कम से कम 1.25 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का आपने मार्केट कैप क्रिएट कर दिया है। मीन्स आप, मैं कोई अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, एक भारत का एक एक आदमी जब योग पूर्वक कर्म योग करेगा तो बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। यही मेरा सबको संदेश है कि आप खुद आत्मनिर्भर बनिए, पहले हेल्थ के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनिए, ये डॉक्टर, ये दवा, ये हॉस्पिटल, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो भगवान ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े, लेकिन आप स्वास्थ्य के बारे में आत्मनिर्भर बनिए और फिर आत्मनिर्भर आप बनेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा और फिर से भारत दुनिया की सच में इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, सोशल, पॉलिटिकल सुपर पावर होगा। एकदम, बहुत ही बढ़िया आपने कहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर लिसनर्स, सगळे जण आज आलात आपल्या या वेबिनारला आणि स्वामी जींचं ऐकलं, म्हणून सगळ्यांसाठी परत एकदा थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। मैं भी बहुत मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके यहाँ पे आके सीखूं और एक बार आपको आना है आपको यहाँ पर आना है और फिर यहाँ से सबको एक बार फिर लाइव करवाएंगे आपके सारे, आपके जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबको ओम नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, ओम गुरु, थैंक यू।